इस वीडियो में हम वेल के डायमेंशनिंग के बारे में जानेंगे वेल के डायमेंशनिंग के बारे में जानने के लिए हमें साइज लेंथ एंड पीच के बारे में समझना बहुत जरूरी है जिस तरह से ये वेल्डिंग सिंबल में आप देख सकते हो ये फ़िलेट वेल्ड सिंबल है जो एरो साइड दिखाया गया है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द वेल्ड सिंबल वन क्वार्टर ऑफ एन नीचिस जो फिलेट वेल्ड की साइज है जिस तरह से आप देख सकते हो वेल्ड साइज हमेशा वेल्ड सिंबल की लेफ्ट हैंड साइड पर रहती है साइज के बाद वेल्ड सिंबल की राइट हैंड साइड लेंथ दिखाई जाती है सो so, दो इंच वो वेल्ड वेल्ड की लेंथ है लेंथ के बाद पिच जो लेंथ की राइट हैंड साइड दिखाई जाती है फोर इंच वो फिलेट वेल्ड की पिच है और हम लोग इसके एग्जाम्पल देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से साइज लेंथ और पिच डिसाइड होती है सबसे पहले साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड मींस द डिस्टेंस बिटवीन रूट ऑफ द वेल्ड टू द टो ऑफ द वेल्ड। जिस तरह से ये वेल्ड के क्रॉस सेक्शन एरिया में आप देख सकते हो टो तो और रूट के बीच का डिस्टेंस वर्टिकल या हॉरिजोंटल उसको हम वेल्ड साइज बोलते हैं सो दैट इज़ योर फिलेट वेल्ड साइज दोनों साइड वर्टिकल या हॉरिजोंटल हमेशा सेम होनी चाहिए जिससे आपका आइसोस्केल ट्रायंगल बनता है सो so कभी आप दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेग की साइज़ अन ईवन देखे दोनों सही नहीं हो दोनों सेम नहीं हो तो उसका मतलब है देर इज़ समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन और आपको प्रिंट को चेक करना पड़ेगा और शायद वो रिचेक भी हो सकती है फिलेट वेल की साइज़ चेक करने के लिए फिलेट वेल गेज यूज़ होता है जो कॉमनली अवेलेबल है मार्केट में फिलेटवेल्ट साइज गेज की रेंज मिलीमीटर में तीन से पच्चीस मिलीमीटर तक आती है और इंच में ऑफ हफ्फे नीची से एक इंच तक आता है साइज के बाद लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड सो लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड मीन्स द टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड सो स्टार्ट से एंड तक वेल्ड की जो लंबाई होती है सिंगल वेल्ड की उसको हम वेल्ड लेंथ बोलते हैं या फिलेट वेल्ड लेंथ बोलते हैं वो हमेशा वेल्ड सिंबल के राइट right साइड होता है और हम लोग उसको मिलीमीटर या इंच में मेज़र करते हैं यह एग्जांपल में आप देख सकते हो कि स्केल की हेल्प से लेंथ ऑफ द फ़िलेट वेल्ड मेज़र की जाती है लेंथ के बाद पीच ऑफ द फ़िलेट वेल्ड जिस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द वेल्ड सो ये हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा काफ़ी इंजीनियर्स और इंस्पेक्टर पीच को गलत तरीके से मेज़र करते हैं सो so, पिच हमेशा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस में ही होती है जिस तरह से ये डायग्राम में आप देख सकते हो एक वेल्ड और दूसरे वेल्ड के बीच के सेंटर का डिस्टेंस वो पिच है हम इंच या मिलीमीटर से पिच मेजर कर सकते हैं चलिए अब कुछ एग्जांपल से साइज लेंथ और पिच के बारे में समझते हैं सबसे पहले 5/16 सिक्सटीन फिलेटवेल्ट साइज एरो साइड और राइट हैंड साइड आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो उसके बाद हाफ इंच साइज फिलेटवेल्ट बोथ साइड ये हाफ इंच फिलेटवेल्ट बोथ साइड ऑफ द जॉइंट का एग्जाम्पल है थर्ड 8 of ऑफ inch is वेल्ड ऑन एरो साइड एंड 1/4 ऑफ an inch is वेल्ड ऑन the अदर साइड और इसका भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो एक चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी जब लेंथ या पिच नहीं दी गई हो तब वो लेंथ पूरे जॉइंट के हिसाब से रहेगी उसका मतलब है पूरा जॉइंट लेंथ जितनी भी है जॉइंट की वो पूरा लेंथ हमें वेल्ड करना पड़ेगा चलिए अब लेंथ और पिच के हिसाब से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं टू इंच लेंथ फोर इंच ऑन सेंटर सो जिस तरह से आप एग्जाम्पल में देख सकते हो टू इंच जो वेल्ड की लेंथ है और फोर इंच जो हमारी पिच है जो हमारा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है जिस तरह से वेल्ड सिंबल में आप देख सकते हो कि दोनों वेल सिंबल एरो साइड और अदर साइड एक दूसरे की लाइन में है सो so, हम उसको चेन इंटरमिनेट फिलेट वेल बोलते हैं और एरो के हिसाब से और सिंबल के हिसाब से आप एक्चुअल वेल्ड देख सकते हो कि दोनों साइड के वेल्ट एक्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट में है यह एग्जाम्पल में तीन इंच लेंथ टेन इंच सेंटर टू सेंटर बट वेल्ड सिंबल एक दूसरे के लाइन में नहीं है सो so, इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो इसको हम स्टैगल इंटरमीडिएट फिलेट वेल्ड से जानते हैं सो so, जिस तरह से आप देख सकते हो दोनों वेल्ड एक दूसरे के ऑपोजिट में नहीं है वो स्टैगल्ड या जिग मैनर में दिखाए गए हैं थैंक यू अगर वेल्डिंग सिंबल या फिलेट वेल्स साइजेस के बारे में आपको कुछ और क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं उसके हिसाब से वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा